इस ओजीवा हेयर वाइटमिन के 4 डब्बे मैं यूज़ कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या इससे हेयर फॉल स्टॉप होता है? क्या इससे हेयर रिग्रोथ होते हैं? आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई ओजीवा, इट्स बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको ओजीवा हेयर वाइटमिन की रिव्यू वाली वीडियो में बताया था, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम मेजर हेयर फॉल्स एंड नाउ इट हैज़ बिन 4 मंथ्स और मैंने इस वाइटमिन के 4 डब्बे यूज कर लिए हैं। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह के बारे में फुल रिव्यू देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऑन ओजीवाज ऑफिशियल वेबसाइट यू विल फाइंड दिस स्लाइड एंड अकॉर्डिंग टू दिस, इसके 30 डेज यूज के बाद हेयर को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और 60 डेज की यूज के बाद DHT इनहिबिशन इंप्रूव हो जाएगा और आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन, हाइड्रेशन और नरिशमेंट बेटर हो जाएगी। एंड आफ्टर 90 डेज हेयर फॉल विल बी रिड्यूस्ड एंड आफ्टर 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स के बाद न्यूट्रिशन सप्लाई टू स्कैल्प विल बी इम्प्रूव्ड एंड डैमेज सेल एंड ब्लॉक्ड पोर्स विल रिपेयर। और इस हेयर वाइटमिन को यूज करते हुए मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड दे आर राइट, 90 डेज के बाद मेरे हेयर फॉल्स बहुत कम हो गए थे और अभी आई एम एक्सपीरियंसिंग नॉर्मल हेयर फॉल। व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दिस सप्लीमेंट तब मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल्स हो रहे थे, मतलब कि एक बार बालों में हाथ को ऐसे स्लाइड करने के बाद 15-20 हेयर स्ट्रैंड्स आ जाते थे एंड दैट वॉज वेरी डिप्रेसिंग। और मेरा हेयर फॉल बस इस हेयर वाइटमिन की वजह से स्टॉप नहीं हुआ, आई स्टार्टेड फॉलोइंग ए हेयर रूटीन और मैंने अपनी डाइट में बहुत सारे चेंजेस भी किए। इन माई एक्सपीरियंस इस हेयर वाइटमिन को यूज़ करने के बाद मेरे हेयर टेक्सचर में कुछ खास चेंजेस नहीं आए और इससे डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम्स भी कम नहीं होती। एंड अकॉर्डिंग टू ओजीवा आफ्टर यूजिंग दिस फॉर 6 मंथ्स यू कैन सी हेयर रिग्रोथ। और मैंने इस हेयर वाइटमिन के 2 डब्बे और ऑर्डर कर दिए हैं और मैं 6 महीने तक इसको यूज़ करूँगा। अगर आपको भी उस 6 महीने के बाद मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही उस बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।